सीएम फ्लाइंग ने रोहतक व भिवानी में समाज कल्याण ऑफिस में मारा छापा। 31 अपात्रों को पेंशन के 78 लाख जमा कराने को दिया नोटिस, बाद में बिना वसूली दे दी एनओसी। भिवानी में 2 कर्मी मिले गैर हाजिर, 439 फाइलें पेंडिंग। सीएम फ्लाइंग ने सोमवार को रोहतक व भिवानी जिलों के समाज कल्याण विभाग और कुरुक्षेत्र में ढाबे पर छापेमारी की। टीम ने रोहतक व भिवानी में 5 से 7 घंटे तक पूरा रिकॉर्ड की जांच की। रोहतक में पेंशन के नाम पर समाज कल्याण विभाग में पिछले काफ़ी लंबे समय से खेल चल रहा था। इसका खुलासा सोमवार को तब हुआ जब सीएम फ्लाइंग की टीम जांच करने लघु सचिवालय पहुंची। दस्तावेज खंगालने के बाद टीम को 31 पेंशन के ऐसे मामले मिले जिसमें विभाग ने अपात्र लोगों को 78 लाख जमा करने का नोटिस जारी करने के बाद बिना वसूली के एनओसी जारी कर दी। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दिनेश ने बताया कि 2022 व 23 में विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन के अभिलेख जांचे गए। इस दौरान पाया गया कि विभाग ने 153 लोगों को एनओसी जारी की है। इसमें से 20 लोगों ने एनओसी जारी होने के बाद लिया पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। वहीं 102 लोगों ने पेंशन नहीं ली, इसलिए विभाग ने उन्हें एनओसी जारी कर दी। 31 ऐसे मामले मिले जिन्होंने एनओसी के लिए आवेदन किया, जबकि पहले विभाग द्वारा 78 लाख रुपए ब्याज सहित जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए। पेंशन लेने वाले अपात्रों ने पैसा जमा नहीं कराया, इसके बाद भी उन्हें एनओसी जारी कर दी गई। अब इस मामले की जांच सीएम फ्लाइंग कर रही है। वहीं भिवानी में टीम को 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम समेत विभिन्न योजनाओं की भिवानी में 439 फाइलें पेंडिंग पाई गई। टीम को शिकायत मिल रही थी कि समाज कल्याण विभाग में कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं, इसके चलते टीम ने छापेमारी की। इसार निगम में अधूरी रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट लेने पहुंची टीम। 17 ओवरलोड गाड़ियां इंपाउंड की गई।